हेलो लर्नर्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। इसमें हम कुछ और डिटेल में डिप्लोमा कोर्सेज को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सो ये वीडियो है मोर क्लैरिटी अबाउट कोर्स सिलेक्शन इन डिप्लोमा के बारे में। बहुत कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के बीच में कि कौन सा लें, डिप्लोमा इन डाटा साइंस पहले लें या डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग पहले लें या फिर दोनों का मिक्स करके लें, क्या हमारे लिए बेटर होगा और क्या सही रहेगा, कैसे हम आगे बढ़ें इस कोर्स में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट पर थोड़ा और विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। मैं अपने कुछ पॉइंट भी साझा करूंगा जो मैंने कुछ सीनियर से बात करके मिला है मुझे। तो अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं फाउंडेशन लेवल में, आपने जो पढ़ा है, आपने महसूस किया होगा कि भले ही वो मैथ रहा हो या भले ही वो कोई इजी सब्जेक्ट ही रहा हो, आपके स्टेट्स ही रहा हो, लेकिन जब आप एक वीक कंप्लीट करके दूसरे वीक में जाते हैं तो कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है उसे समझने में आपको स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब एक बार वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाता है फिर आपको उस वीक के क्वेश्चंस लग पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं और उस वीक की थ्योरी आपको क्लियर होती है। तो एक नए वीक में एंटर करने पर जब आपको ये डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है तो अब ये बिल्कुल ही डिप्लोमा लेवल में आप एंट्री करने वाले हैं, फाउंडेशन लेवल से डिप्लोमा लेवल में जाने वाले हैं और बिल्कुल ही नए कोर्सेस होने वाले हैं। अभी तक आपने ट्वेल्थ में मैथ, प्रोबेबिलिटी और कुछ कुछ प्रोग्रामिंग भी आपने, सिटी और लैंग्वेज भी आपने पढ़ा होगा आई गेस, तो इसलिए वो चीज़ों का स्पीड को पकड़ना आपके लिए थोड़ा सा एक आपके लिए प्लस पॉइंट था कि आप उसके कुछ स्टार्टिंग पॉइंट को जानते थे, शुरू कहाँ से करना है। लेकिन डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस में जो कोर्सेस हैं इसके बारे में बिलीव करिए, अभी तक आपने अगर ट्वेल्थ तक आपने जो पढ़ाई की है उसमें आपने कहीं भी इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है। ये टोटल कोर्स ही नया होने वाला है तो डिफिकल्टी लेवल तो होने वाली है, इसको आप मान के चलिए। जब सेम सब्जेक्ट का एक नए वीक को आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये बिल्कुल ही नया कोर्स है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस। तो इसमें दिक्कत तो होगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है और आईटीएम के द्वारा भी सुझाए गए कोर्सेस हैं, उसका आपके ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा कि अगर आप मिक्स करके कोर्स लेना चाहें तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कितने टर्म में आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आप एग्रेसिव वे में बढ़ना चाहते हैं या आप इजी वे में चलना चाहते हैं, आप दो टर्म में या थ्री टर्म या फोर टर्म या फाइव टर्म किस या सेवन टर्म, मैक्सिमम सेवन टर्म तक का उन्होंने प्लान बना के दिया है कि सेवन टर्म तक अगर आप पकड़ना चाहते हैं और अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्लान है, और अगर एक साथ मिक्स करके करना चाहते हैं डिप्लोमा तो उसके लिए जो प्लान है वो ऑलरेडी ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कोर्सेज के बारे में जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और डिफिकल्टी तो होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप एक या दो सब्जेक्ट लेकर के शुरू करके देख सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग की, और मैं आपको बताऊं कि जितने भी सीनियर से मैंने बात किया है तो सबका सजेशन यही था कि प्रोग्रामिंग को पहले कंप्लीट करना चाहिए डेटा साइंस से पहले, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अगर आप बिल्कुल अनजान हैं तो प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि डेटा साइंस में यूज होंगे, और अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं किया है सिर्फ डिप्लोमा इन डेटा साइंस में आप जंप कर गए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि स्टैटिस्टिक टू में जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पाइथन नोटबुक, कोलैब नोटबुक की जरूरत पड़ती थी, उसी तरीके से और अगर आप हमें कोलैब नोटबुक का यूज करना और हमें नहीं आता है तो सर वो जो फार्मूला कैलकुलेट करते थे, वैल्यू कैलकुलेट करते थे और वो हम बिल्कुल नहीं कर पाते थे, अगर आपको नहीं पता होगा तो, पता है तो आप कर लेंगे।
तो उस तरीके से प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल डिप्लोमा इन डेटा साइंस में होने वाला है। तो मेरी भी सजेशन यही है, मेरी भी राय जो यही बन रही है, बाकी टोटल आपके मन पे डिपेंड है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। बट अगर मेरे से पूछें तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कंप्लीट करिए, या फिर आप मिक्स करके ऐसा सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें पैरेलल पैरेलल चीज़ें चलें, आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसा मेरा राय है, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग फर्स्ट। तो आइए डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं। दोनों जो प्रोग्राम डिप्लोमा है प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस के, इसमें आपको 6 कोर्सेज होने वाले हैं, थ्योरी कोर्सेज होंगे, 2 प्रोजेक्ट होंगे। अर्लियर ये प्रोजेक्ट थ्योरी के साथ होते थे, बट शायद मई 2022 आगे आएगा, वो स्लाइड में है, मैं आपको दिखा दूंगा, उसके बाद से प्रोजेक्ट को सर ने अलग कर दिया है, कोर्स थ्योरी और प्रोजेक्ट को अलग कर दिया है। अब जैसे हम समझते हैं कि डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में क्या क्या कोर्सेस हैं, तो यहाँ पर देखिए जो पहला कोर्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसमें आपको जो सिखाया जाएगा वो डेटा को कैसे मैनेज करना है, उसकी सिक्योरिटी कैसे, उसके इंटीग्रिटी, और एक जो कंपनी में बैकएंड में जो डेटा को जैसे मैनेज करते हैं, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों के बारे में पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ही नया होने वाला है आपके सब लिए, ये बिल्कुल नया होने वाला है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट में DBMS बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, ये बहुत ही भारी सब्जेक्ट है, जो लोगों के रिव्यूज से मुझे पता चला कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, ये है डाटा स्ट्रक्चर DSC। इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग पैथन, 4 क्रेडिट का है ये भी जो है, PDSA इसको बोलते हैं, PDSA। ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पसीने छुड़ाने वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको मॉडर्न एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होगा वो सिखाया जाएगा, MAD 1, उसका प्रोजेक्ट, फिर MAD 2 और उसका प्रोजेक्ट। तो ये जो 4 कोर्सेज हैं, टोटल 8 कोर्सेज हैं, 8 कोर्सेज में 4 कोर्सेज जो हैं वो आपके ऐप डेवलपमेंट के हैं, ऐप डेव के हैं, जिसमें आपको वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना सिखाया जाएगा और उसके प्रोजेक्ट है। तो आप सोचिए कि आपका अभी लेवल कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का क्या है, और ये जो एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट बिल्कुल जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, इस तरह की वेबसाइट बनाना आपको आना चाहिए, वो सब कुछ इसमें कवर है। इसके लिए आपको फिर अलग से कोई कोर्स नहीं कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें सीखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये चारों ऐप डेव 1 और ऐप डेव 2 और उसके प्रोजेक्ट अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर आपके उम्मीद की जाती है कि आप एक वेबसाइट या एप्लीकेशन आप बना लेंगे, वेबसाइट जस्ट लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, एंड एप्लीकेशन भी उसी तरीके की आप बना सकते हैं। तो इस तरह की स्किल आपके अंदर ये डेवलपमेंट हो जाए, डेवलप हो जाएगी ये चारों सब्जेक्ट अच्छे से करने के बाद। जो PUD है वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ जो प्रोवाइड किया गया है लेक्चर्स या इन चीज़ों पर डिपेंड न रहें, आप बाहर से भी कुछ स्किल गेन करें, सीखें, आउटसोर्स से भी आप चीज़ें सीखें। इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि अगर आप ये डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कर लिए तो आपके आपको एक वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, डाटाबेस को मैनेज करना आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो एक कोर्स है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा, जावा से भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा जावा। अभी तक आपने फाउंडेशन में पैथन पढ़ा है, अब आपको जावा पढ़ाया जाएगा। और एक है किन सिस्टम कमांड। तो यहाँ पे देखें जो 4 सब्जेक्ट हैं वो तो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट और उसके प्रोजेक्ट हैं, MAD 1, MAD 2 और उसके प्रोजेक्ट, 4 ये हो गए। और 4 जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, PDSA, जावा और सिस्टम कमांड। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट भी अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट लेवल है इनका। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि MAD 1 और जो 4ों प्रोजेक्ट हैं ये एक दूसरे से प्री रिक्विजिट या को रिक्विजिट हैं। प्री रिक्विजिट का मतलब कि ये कोर्स जो है आपको
करना पड़ेगा मैट टू करने के लिए पहले आपको मैट वन कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप मैट टू कर सकते हैं। और कोर रिक्विजिट का मतलब ये हुआ कि आप साथ के साथ कर सकते हैं, जैसे मैट वन और मैट टू, मैट वन का प्रोजेक्ट आप साथ साथ कर सकते हैं, मैट टू और मैट टू का प्रोजेक्ट आप साथ साथ कर सकते हैं। और मैट वन के लिए आपका जो ये कोर रिक्विजिट है ये डीबीएमएस, आपको डाटाबेस को मैनेज करना आना चाहिए, ये चीज इसमें एसक्यूएल सिखाया जाएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये आपको आना चाहिए एप्लीकेशन बनाने से पहले। तो ये सारी चीजें प्री रिक्विजिट और कोर रिक्विजिट है। तो चार कोर्स तो आपके हो गए जिसमें आपको प्री रिक्विजिट या कोर रिक्विजिट की जरूरत पड़ेगी। बचे चार कोर्स जिसको आप आंख बंद करके ले सकते हो स्टार्टिंग में, वो है ये डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट, पीडीएस से डाटा स्ट्रक्चर, जावा और सिस्टम कमांड। ये चार सब्जेक्ट हैं जिसमें कोई भी प्री रिक्विजिट या कोर रिक्विजिट नहीं है। इन चार सब्जेक्ट में कोई भी एक या दो या आपकी मर्जी के हिसाब से आप आंख बंद करके सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही रेस्ट जो चार है जिसमें आपको वेब एप्लीकेशन बनाना और डेवलपमेंट करना और उसके प्रोजेक्ट वाले जो है उसमें आपको कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट और कुछ ना कुछ कोर रिक्विजिट है। ओके, तो मेरी तो सलाह यही है कि आप अगर मैड वन स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन बनाना तो इसके पहले जैसा कि कह रहा है कि आपको डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, ये इसका कोर रिक्विजिट है। या तो आप साथ में ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं। तो मैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैं यही सलाह करूंगा कि आप अलग अलग ही इसको लें, पहले आप डीबीएमएस कंप्लीट करें फिर ऐप डेव की तरफ जाएं। तो आप इसमें से कोई एक या दो अपने लेवल के हिसाब से कोर्स चुन सकते हैं। और कितने आवर्स स्टडी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं। तो आप कितने भी धुरंधर स्टूडेंट हो, ऑन एन एवरेज पर कोर्स पे आपको पर डे जो है मिनिमम टू मिनिमम 4 आवर्स देने पड़ेंगे, मिनिमम टू मिनिमम 4 आवर्स मैं कह रहा हूँ, पर कोर्स पे 4 आवर्स देने पड़ेंगे अगर आप बहुत धुरंधर स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप उस लेवल के नहीं हैं तो आप टाइम का कैलकुलेशन कर लीजिए, उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी आएंगे, उसी हिसाब से आपकी ग्रेडिंग भी आएगी। तो आप अपने लेवल अपनी क्षमता के अनुसार ही कोर्स का सिलेक्शन करें। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, डिस्टेंस प्रोग्राम है, इसमें इस तरह की छूट है, आपको कोई नहीं कहने वाला कि आप पीछे चल रहे हो या आगे चल रहे हो, ये आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हो। आप अपनी क्षमता और अपनी स्पीड के अनुसार कोर्स का सिलेक्शन करें, ज़्यादा कोर्सेस एक साथ लेकर के बर्डन ना लें जिससे फिर आपके मार्क्स कम हो जाए और उस पर असर पड़े। आपको मेन स्किल ग्रो डेवलप करना है तो आप स्किल पे फोकस करें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोर्स का सिलेक्शन करें। मैंने आपको बताया कि इसमें जो चार कोर्स हैं उसमें कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट और कोर रिक्विजिट है, जिसमें आपके ऐप डेव के 1 और 2 है, उसके प्रोजेक्ट हैं। बाकी चार हैं जिसमें डाटा स्ट्रक्चर है और डाटाबेस मैनेजमेंट है और जावा है और सिस्टम कमांड। ये में से आप कोई एक ले सकते हो आंख बंद करके या क्या दो, इसमें कोई भी प्री रिक्विजिट या कोर रिक्विजिट नहीं है। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग सेम चीज को इसमें अलग तरीके से थोड़ा प्रेजेंट किया गया है। इसमें देखिए क्रेडिट के बारे में बताया गया है, 4 4 4 क्रेडिट इसके हैं। जो प्रोजेक्ट हैं उसके 2 क्रेडिट हैं, बाकी जो सिस्टम कमांड है उसका 3 क्रेडिट है, बाकी सबके 4 4 क्रेडिट है। ओके, प्री रिक्विजिट और कोर रिक्विजिट बताया गया है, ये सारे चीज़ें मैंने कवर कर दिया है। आपको उम्मीद है कि आपको पता होगा, आप आइडिया लगाओगे कि डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग करना है तो चार सब्जेक्ट जो है इसमें आपको एक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटाबेस मैनेजमेंट है और सिस्टम कमांड और जावा, ये चार में कुछ भी प्री रिक्विजिट को रिक्विजिट नहीं है, इसमें से आप कुछ चूज कर सकते हैं। बाकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जो चार हैं तो 1 और 2 और उसके प्रोजेक्ट, इसमें आपको कुछ ना कुछ प्री रिक्विजिट और को रिक्विजिट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिप्लोमा इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। अगर आप डायरेक्ट डेटा साइंस में जाते हैं तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, जो डेटा साइंस का मेन सब्जेक्ट है वो है मशीन लर्निंग, एमएल के बारे में आपको जानने को मिलेगा। पहला एक कोर्स है जिसमें आपको मशीन लर्निंग की फाउंडेशन बताई जाएगी, मशीन लर्निंग की फाउंडेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, इसको एमएलएफ बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, एमएलएफ जब आपको आ जाएगा तो दूसरा कोर्स है जिसमें आपको मशीन लर्निंग टेक्निक सिखाई जाएगी। जाहिर सी बात है जब मशीन लर्निंग टेक्निक सीखने के लिए आपको मशीन लर्निंग का फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए, तो कोर रिक्विजिट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको पहले क्लियर कर लीजिए या साथ साथ में क्लियर करिए। ओके, तो फाउंडेशन आएगा तभी आप टेक्निक्स पर काम कर पाएंगे, और जब आप टेक्निक्स जान जाएंगे तभी आप मशीन लर्निंग प्रैक्टिस MLP कर पाएंगे। तो ये देखिए मशीन लर्निंग के टोटल 4 है, ये 3 हो गए और एक है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, 4। ये जो 4 सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट है,
जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको मैथ 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 टू जो आपने पढ़ा है उसका पूरा जरूरत पड़ेगा, उसमें उसकी पूरी जरूरत पड़ेगा, और उससे भी एडवांस मैथ आप यहाँ पे सीखेंगे। तो इसका भी लेवल हाई ही होने वाला है, इसमें कोई भी इजी सब्जेक्ट नहीं है। पहले आप फाउंडेशन सीखेंगे, देन आप मशीन लर्निंग टेक्निक सीखेंगे, देन आप मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद आप उस पर एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो ये मशीन लर्निंग के चार सब्जेक्ट हैं जो कि डिप्लोमा इन डेटा साइंस में है। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है टूल्स इन डेटा साइंस। इसमें आप डेटा साइंस में यूज होने वाले टूल्स के बारे में सीखेंगे। अभी तक आपने जो भी मैथ या स्टैट्स में जो कैलकुलेशन किया, जो भी आपने प्रेजेंटेशन किया, ग्राफ बनाया, उन सब के लिए डेटा साइंस में कुछ टूल्स यूज होते हैं, जिससे आप डेटा को फिल्टर करते हैं, डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो उन टूल्स के बारे में इसमें हम सीखेंगे, टूल्स इन डेटा साइंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और डेटा साइंस के मद्देनज़र तो इसे आपको सीखना होगा, एक अलग सब्जेक्ट की तरह ही, अलग कोर्स की तरह इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके जो क्रेडिट है वो 3 है, 3 क्रेडिट है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो होता है, आपका डेटा साइंस का पार्ट कंप्लीट हो जाता है मशीन लर्निंग और टूल्स इन डेटा साइंस के साथ। नेक्स्ट जो 3 कोर्सेस हैं, इसमें आपको बिजनेस में डेटा मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कॉरपोरेट में काम करने जाएंगे तो वहां पर जो स्ट्रक्चर होगा, वहां पर जो डेटा का मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, या बिजनेस डेटा मैनेजमेंट में सीखेंगे। उस पर एक प्रोजेक्ट भी होगा, उस पर भी आप काम करेंगे, प्रोजेक्ट के 2 क्रेडिट होगा, और बिजनेस एनालिटिक्स ये भी आप सीखेंगे, इसके जो 4 क्रेडिट है। तो इसमें जो डिप्लोमा इन डेटा साइंस में 4 कोर्स जो है वो आपके मशीन लर्निंग के हैं, फाउंडेशन, टेक्निक, प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट। फाउंडेशन, टेक्निक, प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट, ये 4 मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं। 5वां कोर्स टूल्स इन डेटा साइंस है। डेटा साइंस में आप किन किन टूल्स के यूज करेंगे, कुछ कुछ टूल्स होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उनका आप इस्तेमाल कैसे करोगे, उन चीजों के बारे में आप इसमें सीखोगे। बाकी के 3 कोर्सेज जो है वो BDM, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, और बिजनेस एनालिटिक्स है। ये कुछ ईजी सब्जेक्ट माने जाते हैं, BDM वगैरह हो गया, तो इसको आप इजी में कर सकते हैं। अगर आप इसमें जा रहे हैं तो इसमें से आपको एक ले सकते हैं, और इसमें से फाउंडेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रीरिक्विजिट या प्रीरिक्विजिट है, टेक्निक, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिस। तो इसे आप चूज कर सकते हैं, बिजनेस में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, और मशीन लर्निंग से आप फाउंडेशन ले सकते हैं इसमें अगर आप जा रहे हैं तो, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, या फिर आप इसमें जा रहे हैं प्रोग्रामिंग में तो उसको भी मैंने कवर कर दिया। और अगर आप मिक्स करते हैं तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिफर करें जो प्रोवाइड किया गया है, ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट जो आपको एक स्लाइड प्रोवाइड की गई है, जिसमें आप मिक्स वाला भी पैटर्न है, कितने टर्म में करना चाहते हैं वो भी है, और अलग अलग किस स्लाइड है डिप्लोमा की वो भी आप रेफर करिए, उससे आपको और बेटर आइडिया मिलेगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए वाइवा भी होता है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि जिन जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ वहाँ वाइवा भी है। MAD 1, MAD 2 जो आपका डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग था उसमें 2 प्रोजेक्ट थे, उसका वाइवा होगा, और डेटा साइंस में BDM का प्रोजेक्ट था, बिजनेस डेटा मैनेजमेंट का, और MLP का प्रोजेक्ट था मशीन लर्निंग का। तो ये दोनों प्रोजेक्ट में वाकई वाइवा होंगे, और ये वाइवा आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही लेंगे, आउटसाइडर जो होंगे वो लेंगे, और आप जो भी प्रोजेक्ट का काम करेंगे उससे रिलेटेड वो वाइवा लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, ये चेक करने के लिए कहीं वो प्रोजेक्ट आपने किसी का कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, आपने खुद से बनाया है, तो उस पर आप क्वेश्चन होंगे, वाइवा होंगे, ये भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। वी हैव सेपरेटेड प्रोजेक्ट प्लस वाइवा एज ए न्यू कोर्स विद इफेक्ट May 22। प्रोजेक्ट और वाइवा का उन्होंने अलग कोर्स बना दिया May 22 से, इससे पहले वो थ्योरी पार्ट के साथ में ही था। स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट फॉर BDM, MLP, FDEV 1 एंड FDEV 2 बिफोर एंटरिंग इनटू डिग्री लेवल। डिग्री लेवल में जाने से पहले आपको 4 के 4ों प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होंगे, 2 प्रोजेक्ट डेटा साइंस में, 2 प्रोजेक्ट प्रोग्रामिंग में। द प्रोजेक्ट कोर्सेज आर नॉट पार्ट ऑफ CCC। CCC आपका होता है कोर्स क्रेडिट कैपेबिलिटीज, जिसके बेस पर आप कोर्स का सिलेक्शन करते हैं, उस वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं होगा, वो आपके थ्योरी कोर्सेज पे डिपेंड है। द प्रोजेक्ट कोर्स की फीस भी कम है, 2500 फीस है, अदर कोर्सेज के लिए आप रेफर करिए डॉक्यूमेंट, ये ज्यादा होंगे अदर कोर्स के, प्रोजेक्ट की फीस कम है, और हर प्रोजेक्ट का 2 क्रेडिट है। ऑल दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द प्रोजेक्ट कोर्सेज
will now have additional project courses for each listed under the tab my current project. जहां पर आपको my current courses में दिखता है वहां पर एक my current project भी होगा, आप उसको उसमें जो आपके आपके प्रोजेक्ट करंट कोर्स जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है वो आपको दिखेगा डैशबोर्ड में. ईच प्रोजेक्ट हैज इट्स ओन मोडेलिटीज एंड प्रोसेसेस टू बी फॉलोड. प्लीज चेक योर कोर्स अनाउंसमेंट फॉर द प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड मेक द सबमिशन अकॉर्डिंगली. प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस को आप प्रेफर करिए, वो रिलीज होगा उसी हिसाब आपसे आप प्रोजेक्ट को सबमिट करिए. दो वी हैव पुट यू इन टू द प्रोजेक्ट कोर्सेस, you may always choose to do it at a later date also. Project को complete करने के लिए और submit करने के लिए एक अच्छा खासा time दिया जाता है, आप पहले भी कर सकते हैं या last later date में भी कर सकते हैं, बाद के time में भी कर सकते हैं, अच्छा होगा आप time से submit कर दें. देखिए ये highlight part क्या है, ये देखिए. From January 2023 term, it is mandatory that project have to be completed in the same term as the theory course, same term or इन द सब्सिक्वेंट टर्म. मतलब कि अगर आप जो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके पहले वाले टर्म में आपका थ्योरी हो जाना चाहिए, तब आप या तो थ्योरी के साथ प्रोजेक्ट कर लो या थ्योरी करके नेक्स्ट टर्म में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो. ऐसा नहीं हो सकता कि आप थ्योरी अभी कर लिए फिर दो टर्म छोड़ के प्रोजेक्ट उसके बाद कर रहे हैं, ये वैलिड नहीं होगा. आपको थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट साथ में करना होगा या नेक्स्ट टर्म में आपको प्रोजेक्ट लेना ही होगा. तो जब आप प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो तो ही आप थ्योरी भी लें, क्योंकि थ्योरी के साथ ही प्रोजेक्ट ले लें या फिर थ्योरी कंप्लीट करके तुरंत प्रोजेक्ट आपको लेना होगा, इसका मतलब ये हुआ. ओके, ये एक पुराना डेटा है, अभी का नहीं है. ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्लाइड इंक्लूड किया है कि टाइमलाइन फॉर प्रोजेक्ट के लिए जो टाइमलाइन होता है वो कैसे होता है. ये जनवरी 2023 के लिए टाइमलाइन है. जैसे App Dev, Mad 1 and Mad 2 का क्या है, रिलीज होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज होगा थर्सडे दिसंबर 15. दिसंबर में प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज हो जाएगी. प्रोजेक्ट सबमिशन ओपन जो होगा वो जनवरी 22 से और क्लोजिंग डेट होगा मार्च 31. तो इस डेट के बीच में आप प्रोजेक्ट को कभी भी सबमिट कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा वो दिसंबर में ही रिलीज हो जाएगा. सेम टाइप एमएलपी के लिए भी होगा, जो सबमिशन होगा जनवरी 22 से लेके मार्च 31 तक की डेट में आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं. और बीडीएम का भी, बीडीएम का है वी हैव फोर साइकिल्स, इनमें फोर साइकिल होता है. प्लीज रिफर द गाइडलाइन डॉक्यूमेंट, वी हैव डिफरेंट टाइमलाइन फॉर बीडीएम. बीडीएम के लिए अलग टाइमलाइन है. तो बिजनेस डेटा के जो प्रोजेक्ट है मैनेजमेंट के, उसकी टाइमलाइन अलग है. बाकी जो ऐप डेवलपमेंट के और मशीन लर्निंग के है उसके लिए आपको लगभग ऐसा टाइम मिलेगा. जैसे ये जनवरी 23 का है, ये आपको आइडिया देने के लिए मैंने स्लाइड इंक्लूड किया, यह लेटेस्ट नहीं है. जनवरी 22 से लेके मार्च 31 तक का टाइम था सबमिशन के लिए और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिसंबर में रिलीज हुई थी. तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं. वी विल कंप्लीट ऑल वाइवा फॉर ऐप डेव एंड एमएलपी एंड रिलीज स्कोर ऑन और बिफोर अप्रैल तक, अप्रैल 30, यानी कि वो टर्म कंप्लीट होने से पहले उसकी वाइवा भी कंप्लीट हो जाएंगे और सारा का सारा जो आपका रिजल्ट है, आपका स्कोर है, वो सेम डेट में एक साथ रिलीज होगा. तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे होंगे फिर प्रोजेक्ट उस सबमिशन के बेस पे आपका वाइवा भी होगा. तो टर्म कंप्लीशन से पहले आपका वाइवा प्लस प्रोजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. इसके साथ के साथ जो पीओडी हैं, सर और मैम हैं, वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ अदर कोर्सेस भी अदर प्लेटफॉर्म से करें. देखिए डिप्लोमा में जो आपका कोर्स है जिसमें कि आप डेटा स्ट्रक्चर सीखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सीखते हैं, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, डाटा स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखते हैं, ऐप डेव सीखते हैं, जावा सीखते हैं, आप सिस्टम कमांड सीखते हैं, उसके बाद आप मशीन लर्निंग पूरा सीखते हैं, फिर टूल्स इन डेटा साइंस सीखते हैं और बिजनेस डेटा मैनेजमेंट भी आप सीखते हैं. तो इतना कुछ जो स्किल है, इस स्किल जो है सफिशियंट है आपकी प्लेसमेंट के लिए. मतलब इतना कुछ सीखने के बाद आंख बंद करके मैं कह सकता हूं कि आपका प्लेसमेंट लग जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी. तो लेकिन अभी ऐसा कि आपको पता है मार्केट में बहुत कंपटीशन है. सिर्फ आप आईआईटी के टैग के भरोसे ना, कि आप आईआईटी का टैग मिल गया तो आपको प्लेसमेंट हो जाए. प्लेसमेंट तो आपका हो जाएगा, प्लेसमेंट तो आपका 100% हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको प्लेसमेंट से नहीं मतलब है ना, आपको पैकेज भी तो अच्छा होना चाहिए और अच्छा प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए.
अच्छा प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको एक अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए जहां पर आपका ग्रोथ हो, आप जहां पर इंटर करें, आप 1 साल 2 साल वहां काम करें तो आपका ग्रोथ हो, आप कुछ नया चीजें सीखें, आप जिसको आप रिज्यूमे में ऐड कर सकें। ऐसा नहीं हो कि आप जहां पर इंट्री किए उस जिस स्किल सेट पे और 1 साल 2 साल काम करने के बाद आपका स्किल सेट और डाउन हो गया। तो अच्छे कंपनी में अच्छा प्लेसमेंट, अच्छे पैकेज आपको लेना है तो पीओडी टीम यही सजेस्ट करती है कि आप सिर्फ इन कोर्सेज के भरोसे न रहें, क्योंकि आजकल ये सब लोग ये चीजें सीख रहे हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपने रिज्यूमे में एड ऑन करनी होगी, आपको अपनी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग बनाना होगा। उसके लिए सजेस्ट करते हैं कि आप कुछ चीजें बाहर से सीख सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, हैस्केल या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाई NPTEL, या ऑन कोई भी सोर्स से आप सीखें। NPTEL के जो क्रेडिट होंगे वो ऐड हो जाते हैं आपके IIT में, कुछ क्रेडिट का में होता है रिक्वायरमेंट, उसके लिए आप ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट देखें कि टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, इसलिए मैं इसमें इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। NPTEL के जो क्रेडिट्स होते हैं वो आपको जुड़ते हैं, डिग्री में तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, आप डिप्लोमा लेवल पे भी कुछ NPTEL के कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ से या बाहर से आप कुछ चीजें सीखें, कुछ स्किल सीखें, कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम होता है। तो अगर वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्किल में, आपके रिज्यूमे में वो चीज़ होगी तो आपको सेलेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज आप हेल्ड हो जाएंगे। तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग बाई NPTEL, गूगल सर्टिफिकेट, माइक्रोसॉफ्ट से, इन चीजों से आप बहुत सही, ये सजेशन दिया गया है, आप इस तरीके से और भी कुछ कोर्सेस अपने रिज्यूमे में बिल्ड कर सकते हैं, रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, NPTEL, अच्छे प्लेटफॉर्म से आप कुछ और चीजें सीखें और उसे अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करें, ऐसा प्यूडी टीम का सजेशन है। ये एक डेटा है कुछ स्टूडेंट्स का बारे में, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाई टू जनवरी 2023, जनवरी 2023 में जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे वो नंबर था 21,990, 21,000 स्टूडेंट ने जनवरी 2023 में फॉर्म भरा था। और द नंबर, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन टिल सितंबर 22, सितंबर 22 तक जो है 90,000, लगभग 1 लाख लोगों ने एप्लीकेशन भरा है इस प्रोग्राम के लिए, डिप्लोमा डाटा साइंस इन एंड एप्लीकेशन थ्रू IIT मद्रास। इतने स्टूडेंट ने, 90,000 स्टूडेंट ने एप्लीकेशन भरा टिल सितंबर 2022। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड, 90,000 में से 25,000 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोग क्वालिफायर में ही छट गए। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्टार्टेड द प्रोग्राम, इस 25,000 जो क्वालिफाई हुए उसमें से भी कुछ लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया, 22,000 लोगों ने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, 22,925 एग्जैक्ट फिगर आप देख लीजिए आपके सामने है। फिर इन लोगों ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया 20,000 लोगों ने, उसमें से भी जो एक्टिव स्टूडेंट है वो 16,000 है। कुछ स्टूडेंट जो है जो स्टार्ट तो कर दिया लेकिन एक्टिव नहीं होंगे, वो अपना सबमिशन, असाइनमेंट सबमिशन, एग्जाम टाइम पे नहीं दे रहे होंगे, तो उन्हें अगर हटा दें तो 16,000 स्टूडेंट जो थे वो एक्टिव थे सितंबर टर्म में 2022। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फाउंडेशन लेवल में, इसमें से जो फाउंडेशन लेवल में 10,000 स्टूडेंट है, जो एक्टिव टोटल थे वो 16,000 थे, और उसमें से 10,000 स्टूडेंट जो थे वो फाउंडेशन लेवल में थे, और डिप्लोमा लेवल पे 6,000 प्लस स्टूडेंट थे, और डिग्री लेवल पे 278 स्टूडेंट। तो इससे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स के नंबर्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जा रहा है और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, डिस्टेंस एजुकेशन है, तो कोर्स के साथ उतना लोग कोपअप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोग बीच में रुक जा रहे हैं, सरेंडर कर दे रहे हैं, या इसकी स्पीड बहुत स्लो है। वो जो कोर्स जो आपसे डिमांड करता है, जो स्किल सेट की डिमांड करता है, वो आप उतना पुट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ के लेक्चर पे, कोर्स वाले लेक्चर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको बाहर से भी चीजें सीखनी है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जो कोर्सेज मेरे कंप्लीट हो गए हैं या जो कोर्सेज मेरे ऑनगोइंग हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो इजी लैंग्वेज में आपके लिए बनाऊँ, ताकि मेरे जो फेलोज हैं उन्हें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, वो चीज़ों को आसानी से समझ पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और अच्छे और वीडियोस बनाता रहूं इस तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, क्योंकि मैंने देखा
बाद में लास्ट टर्म में, जब अभी जो टर्म निकला है इसमें इन टर्म एग्जाम से एक दिन पहले किसी के कमेंट्स आए थे कि ये वीडियोस मुझे पहले क्यों नहीं मिले, और इमोजीज लगाया था क्राइंग वाले। तो इस तरह का ना हो कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी हमारा आपका दोस्त जो है वो इस वजह से पीछे रह जाए क्योंकि वो उसको रीच नहीं हो पाई जो उसके फायदे की चीज़ है। तो आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और मेरा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।